गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, टेंट की दुकान और मकान में लगी भीषण आग, आग में झुलसने से दो महिलाओं की मौत हो गई, 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लोनी बॉर्डर इलाके के लाल बाग कॉलोनी की ये पूरी घटना है। तो भीषण आग से दो लोगों की जान गई है, लोनी बॉर्डर इलाके के लाल बाग कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गाजियाबाद से खबर, टेंट की दुकान और मकान में लगी भीषण आग, आग में झुलसने से दो महिलाओं की मौत हो गई है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लोनी बॉर्डर इलाके के लाल बाग कॉलोनी की ये पूरी घटना सामने आई है। भीषण आग से दो लोगों की जान गई है। गाजियाबाद से खबर, टेंट की दुकान और मकान में लगी है भीषण आग, आग में झुलसने से दो महिलाओं की मौत हो गई है। तो भीषण आग लगी है, 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया मौके पर, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। लोनी बॉर्डर इलाके के लाल बाग कॉलोनी की ये पूरी घटना है। तो भीषण आग लगी और इस दौरान की जो तस्वीरें हैं, भयावह वो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, जहां आग में झुलसने की वजह से दो महिलाओं की मौत हो गई है। बड़ा ये हादसा हुआ है, 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। लोनी बॉर्डर इलाके के लाल बाग कॉलोनी की ये पूरी घटना है। धुएं का गुब्बार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आग लगी है। आग में झुलसने की वजह से दो महिलाओं की मौत भी हो गई है। तो 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में आपको बता दें, दो महिलाओं की मौत हो गई है, जहां ये संभावना थी कि फ्लोर में वो फंसी है लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका, उनकी मौत हो गई है, लेकिन 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। गाजियाबाद से ही खबर, जहां भीषण आग लगने से दो महिलाओं की जान चली गई, 8 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। बड़ा यह हादसा हुआ है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी है। 6:52 पर फायर सर्विस कोतवाली को सूचना मिली थी कि लोनी स्थित एक मकान में आग है। तत्काल हमारी ट्रोनगर सिटी से 2 गाड़ियां और 1 गाड़ी हमारी साहिवाल से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। यहां के देखा तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें टेंट हाउस का काम होता था, उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, जिसको तत्काल टीम ने पाइप बिछाकर बुझाना शुरू किया और ऊपर लगभग 8 लोग फंसे हुए थे, जिनको सीढ़ी लगा के पीछे दीवार तोड़ते हुए बाहर निकाला गया। जब मकान को पूरी तरह सर्च किया गया तो उसमें पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पर एक एक महिला, जो वृद्ध महिलाएं थीं, उनको घायल अवस्था में पाया गया, जिनको बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया, जिनकी संभवतः कैजुअल्टी हुई। प्रथम दृष्टया हम लोग ने जो देखा है वो शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी मौजूद नहीं था, मकान बंद था। तो गाजियाबाद से पूरी खबर है, जहां टेंट की दुकान और मकान में भीषण आग लगी है, दम घुटने से दो महिलाओं की मौत हो गई है। तो 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है, दो महिलाओं की दम घुटने की वजह से मौत भी हो गई है, 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, मौके से अब क्या अपडेट है? देखिए, सुबह करीब 6 बजे लोनी इलाके में, बता दूं नदी की एक मकान में आग लगी थी और इस मकान के अंदर जो टेंट का गोदाम था वो बताया जा रहा है। 6 बजे जिस समय आग लगी, यहाँ पर कई लोग मौजूद थे और आग, चूंकि टेंट का सारा सामान रखा हुआ था, कई वहां पर चीजें ऐसी थी जो कि आग बहुत जल्दी पकड़ रही थी, कपड़े थे, पिन्नी से बना जो सामान था वो था, तो आग एक भयानक रूप आग ने ले लिया और उसके बाद जो लोग थे वहां पर वो बच गए। फायर विभाग की टीम जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने टोटल 8 जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया और उनको सीढ़ी के माध्यम से बाहर निकाला, जिसके बाद और सर्च किया गया तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि 2 महिलाएं और हैं जो कि इस मकान में फंसी हुई हैं और आग की चपेट में आ चुकी हैं। तो
जब फायर विभाग ने इस पूरे मकान का जायजा लिया और सर्च किया तो वहां पर दो महिलाएं ऐसी मिली घायल अवस्था में, जिनकी काफी बुरी हालत थी, और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि दम घुटने से इन दोनों महिलाओं की मौत हुई है, और साथ ही जो फायर विभाग है, जो उसकी गाड़ियां हैं, वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। और साथ ही प्राथमिक जांच की अगर बात करें तो अभी जांच में यही सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट से हो सकता है ये आग लगी हो, जिसके बाद चूंकि सामान ऐसा था उस मकान के अंदर टेंट का, तो आग पकड़ने में देरी नहीं लगी और धीरे धीरे जो आग थी उसने एकदम से भयानक रूप ले लिया और जो लोग थे उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल जो फायर विभाग की टीम है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है और साथ ही इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि कोई और ऐसे लोग तो नहीं है जो इस मकान के अंदर फंसे हुए हों। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ा ये हादसा हुआ है जहां दो लोगों की मौत हो गई है और 8 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है यादराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण आग से दो लोगों की जान गई है, ये पूरा मामला आपको बताया, और ग्राउंड जीरो से जो अपडेट मिली है जहां पुलिस लगातार इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। आखिर प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और रेस्क्यू किया गया, 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, 2 लोगों की मौत हो गई है इसमें। तो लोनी बॉर्डर इलाके के लालबाग कॉलोनी की ये पूरी घटना आपको बताई है। गाजियाबाद से टेंट की दुकान और मकान में भीषण आग लगी है, दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है इस हादसे में, तो 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ा ये हादसा हुआ शॉर्ट सर्किट की वजह से, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आशंका है कि इसकी वजह से आग लगी है। हालांकि रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है और लोगों को भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं उस हादसे का शिकार हुआ है, फंसा हुआ है, इसका भी पता लगाने का प्रयास मौके पर किया जा रहा है और आग बुझाने के प्रयास भी लगातार जारी है।